अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरे मुल्क के तमाम मजहब व मिल्लत को मानने वालों को भी दिल की अमीक गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान हमें सब्र सिखाता है, हमें प्यार बढ़ाना सिखाता है। माह रमज़ान में हम अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं, इसी तरीके से आने वाले जो 11 महीने हैं हमें उसी तरीके से बिताने हैं जिस तरीके से हमने रमज़ान में इबादतें की। इंशाल्लाह आने वाले महीनों में भी हम उसे कंटिन्यू करेंगे। मैं अल्लाह और रब्बुल इज्जत से दुआगू हूँ कि अल्लाह हमारे तमाम इबादतों को, नमाज़ों को, रोज़ों को, ज़कात को सबको कबूल मकबूल फरमाए। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआगू हूँ कि अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान बरकरार रहे और फ़लस्तीन के तमाम मुसलमान बच्चे, बूढ़े, नौजवान, ख़वातीन पर अल्लाह रहम फरमाए, गैब से उनकी मदद फरमाए। और जो लोग फ़लस्तीन के लोगों को अपना माली इमदाद दे रहे हैं वो अल्लाह सही हाथों तक वो पहुँचाए और वो जो नीयत से दे रहे हैं अल्लाह उनका अजर उन्हें दे। मैं फिर एक बार तमाम लोगों को दिल की अमीक गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ।